लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारानी की जय हो। द्वारिकाधीश महाराज कृष्ण आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। केशव आए हैं, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जो आ गया। बुआ श्री। प्रणाम बुआ श्री। आयुष्मान भव। आपने मुझे याद किया, कोई विशेष कारण? हाँ केशव, आओ बैठो। क्या बात है बोश्री, आपको चिंतित दिखाई दे रही? हाँ केशव, अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता ने मुझे घेर रखा है। बुआ श्री, ऐसे प्रतापी पुत्रों की माता होकर भी आप चिंतित हैं? आपको भरोसा रखना चाहिए कि आपके पुत्र अपना भविष्य उज्जवल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। वो तो है, किंतु दुर्योधन और कर्ण की मैत्री ने मेरे मन को उद्विग्न कर रखा है। क्यों बुआ श्री, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता से आपको क्या चिंता है? सब कुछ जानते हुए भी ये कैसा प्रश्न है केशव? तुम्हें तो मेरे और कर्ण के रहस्य का ज्ञान है। ज्ञान है बुआ श्री, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि आपको उन दोनों की मित्रता से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो आपके कर्ण के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत? ये कैसा शुभ संकेत है केशव? दुर्योधन निरंतर कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता बढ़ा रहा है, और अब तो अर्जुन भी उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा है, और तुम कहते हो कि मैं चिंता ना करूं? बुआ श्री, आपके चिंतित होने से कोई हल नहीं निकलेगा। कर्ण और अर्जुन की इस प्रतियोगिता के बहाने कर्ण एक प्रतापी वीर के रूप में सामने आएगा। क्या यह कर्ण के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा? क्या कर्ण के सम्मानित होने से आपको प्रसन्नता नहीं होगी? होगी ना बुआ श्री। यदि कर्ण को सम्मान मिलेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु इस सम्मान में भी दुर्योधन का हाथ होगा, और दुर्योधन अस्त्र की भांति कर्ण को मेरे पुत्रों के विरुद्ध प्रयोग करेगा। मैं क्या करूं केशव? बुआश्री, यदि आप कहें तो मैं कर्ण को सत्य के बारे में। नहीं केशव, ऐसा करने से कर्ण का हृदय बहुत व्यथित होगा, और मेरे पुत्रों के हृदय में भी उथल पुथल होगी। मैं कहां अपना मुंह छिपाते फिरूंगी केशव? तुम ये रहने दो, केवल इतना करो केशव कि अर्जुन के हृदय में कर्ण के प्रति जो द्वेष की भावना है वो निकल जाए। बुआ श्री, अर्जुन के प्रति अब आप चिंतित ना हो, उसे मैं समझा दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तू कितनी अभागी है कुंती, तेरे ही पुत्र आपस में एक दूसरे को पराजित करने के लिए कटिबद्ध है, इसका परिणाम क्या होगा? पार्थ। केशव, आप
पधारिए, आपका स्वागत है। पार्थ। केशव। क्या बात है पार्थ, रंगभूमि के प्रणामों को लेकर चिंतित हो? सब कुछ जानते हुए भी आप प्रश्न कर रहे हैं केशव। रंगभूमि में मेरी सफलता पर ही प्रातः युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक निर्भर है, और यदि मैं असफल रहा तो भ्राता दुर्योधन को यह कहने का अवसर मिल जाएगा कि हम हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं। किंतु पार्थ, मुझे तुम्हारी इस चिंता में भय दिखाई दे रहा है, और भय किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं होता। तुम्हें अपना ध्यान केवल और केवल प्रतियोगिता पर ही केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणामों पर नहीं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो, उसे व्यर्थ भटकने ना दो पार्थ। ये कैसे संभव है केशव कि किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने से पहले मन विकल ना हो, और वो भी ऐसी स्थिति में जबकि भ्राता दुर्योधन ये चाहते ही नहीं कि मैं विजयी हूं। जानता हूं पार्थ, मैं ये भली भांति जानता हूं, किंतु दुर्योधन के चाहने और न चाहने से क्या होगा? भ्राता भीम उसे गदा युद्ध में पराजित कर ही देंगे, इसलिए तुम अपने मन से चिंता के अंश को निकाल दो। और रही बात धनुष कौशल की, तो संपूर्ण हस्तिनापुर में ऐसा कौन है जो तुम्हारा सामना करने का साहस करेगा? यही तो मेरी चिंता का कारण है केशव। केशव, मैं चाहता हूं कि धनुष कौशल में मुझे उस सारथी पुत्र कर्ण से प्रतियोगिता करने का अवसर दिया जाए, जिससे कि मैं उसे पराजित कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकूं। किंतु पार्थ, यह कैसे संभव है? क्योंकि सारथी पुत्र कर्ण ना तो राजकुमार है और ना ही भरत वंश का, वो तुमसे प्रतियोगिता किस आधार पर करेगा? इसी बात का तो दुख है केशव कि वो भरत वंश का नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, नहीं तो मैं उसका अभिमान कब का मिटा चुका होता। मेरी एक बात मानो पार्थ, सारथी पुत्र कर्ण से द्वेष नहीं, अनुराग करने का प्रयास करो, क्योंकि ना तो वो तुम्हारा शत्रु है और ना ही उसकी तुमसे सीधी प्रतियोगिता है। किंतु केशव, वो निरंतर मुझे अपना प्रतियोगी मानकर ही कार्य कर रहा है, द्वेष करने लगा है मुझसे। उसे इस बात का भ्रम हो गया है कि आचार्य द्रोण ने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। इन बातों को भूल जाओ पार्थ, और द्वेष की भावना को अपने मन में कभी ना आने दो, क्योंकि यह भावना मनुष्य के सभी गुणों को खा जाती है। द्वेष योद्धा का सबसे बड़ा शत्रु है पार्थ, तुम इस भाव को क्यों पाल रहे हो? पार्थ, तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और सदा रहोगे, इसलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़ो और केवल अपना कर्म करो। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा केशव।